नमस्कार दोस्तों, कभी कभी हम गलत नहीं होते, बस वो शब्द नहीं होते जो हमें सही साबित कर सकें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल गीता ज्ञान में। आज हम बात करने जा रहे हैं सिंह राशि वालों की। सिंह राशि वालों का 1 अप्रैल दिन शनिवार कैसा रहने वाला है, उन्हें आने वाले समय में किन किन चीज़ें सावधान रहना होगा और सिंह राशि वालों को आने वाले समय में वे कौन कौन सी खुशखबरी मिलने वाली है। तो दोस्तों, आए स्टूडियो में आपको बताएंगे सिंह राशि वालों का पारिवारिक जीवन कैसा रहेगा, उनका बिजनेस पेपर कैसा चलेगा, उनका प्रेम संबंध कैसा रहेगा और साथ ही साथ उनका स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो दोस्तों, आए स्टूडियो में आकर संपूर्ण राशिफल बताएंगे। अगर दोस्तों आपकी भी सिंह राशि है तो इस वीडियो को पूरा देखें। दोस्तों, आज शनिवार है, शनिदेव का दिन है। कमेंट में दोस्तों जय शनिदेव महाराज लिखें, शनिदेव आपकी मनोकामना पूरी करें। दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के पंचांग की। 1 अप्रैल 2023 दिन शनिवार, आज की तिथि एकादशी, आज का नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र, पक्ष चतुर्थ शुक्ल पक्ष। आज सूर्य उदय होगा सुबह 6:11 पर और सूर्य अस्त होगा शाम 6:38 पर। दोस्तों, आज का शुभ समय है दोपहर 12:26 से दोपहर 1:28 तक रहेगा। दोस्तों, आज आपको शुक्र करना चाहते हैं तो आप इसी समय करें, आपके लिए शुभ होगा। साथ ही आपको बताएं आज का अशुभ समय है सुबह 9:20 से सुबह 10:22 तक रहेगा। दोस्तों, आज आपका लकी नंबर है 5 और शुभ रंग है हल्का हरा और नीला। दोस्तों, अब बात करते हैं आज के राशिफल के बारे में, आज का दिन कैसा रहेगा आज की जानते हैं। तो दोस्तों, अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखें, खास तौर पर माइग्रेन के मरीजों को समय पर खाना नहीं छोड़ना चाहिए, नहीं तो उन्हें व्यर्थ में भावनात्मक तनाव से गुजरना पड़ सकता है। आपके मन में जल्दी पैसा कमाने की तीव्र इच्छा पैसा होगी, जीवन साथी जिंदगी में बदलाव लाने में मदद करेगा। खुद को एक जिंदा दिली और गर्मजोशी से भरा इंसान बनाएं, जो जिंदगी की राह अपनी मेहनत और काम से बनता है। साथ ही इस राह में आने वाले गड्ढे और दिक्कतों से दिल छोटा ना करें। अपने प्रिय को नजरअंदाज करना घर पर तनाव का कारण बन सकता है। व्यवसायियों के लिए अच्छा दिन है क्योंकि उन्हें अचानक बड़ा फायदा हो सकता है। इस राशि वाले को आज खुद के लिए काफी समय मिलेगा। इस समय का उपयोग आप अपने शौकों को पूरा करने में कर सकते हैं, जैसे कि आप कोई किताब पढ़ सकते हैं या अपना पसंदीदा म्यूजिक भी सुन सकते हैं। खर्चों को लेकर जीवन साथी से तानातानी हो सकती है। साथ ही आपको बताएं कि आप तनी बुनी चीजों से आपको दूर रहना चाहिए और रोजाना कसरत करते रहें। सट्टेबाजी से फायदा हो सकता है। घर में उल्लास का माहौल आपके तनाव को कम कर देगा। आप भी इसमें पूरी सहभागिता करें, महज मूक दर्शन ना बने रहें, सावधान रहें। कोई आपसे दिल लगी या फ्लर्ट करके अपना उल्लू सीधा कर सकता है। अगर आप कार्य क्षेत्र में बेहतर करना चाहते हैं तो अपने काम में आधुनिकता लाने की कोशिश करें। इसके साथ ही नई तकनीक से आपको अपडेट रहना चाहिए। अगर आपको लगता है कि कुछ लोगों की संगति करना आपके लिए ठीक नहीं है और उनके साथ रहकर आपका समय बर्बाद होता है तो उनका साथ आपको छोड़ देना चाहिए। वैवाहिक जीवन के कुछ साइड इफेक्ट भी होते हैं, आज आपको इनका सामना करना पड़ सकता है। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताएं आप पैसा बना सकते हैं, बात शर्त है आप अपनी जमा पूंजी पारंपरिक तौर पर निवेश करें। आज आप जिस सामाजिक कार्य क्षेत्र में जाएंगे वहां आप सबके ध्यान का केंद्र होंगे। एक लंबा दौर जो आपको काफी समय से आपको दबिचे हुए था वह खत्म हो चुका है, क्योंकि जल्दी आपको आपका जीवन साथी आपको मिलने वाला है। कामकाज के दौरान तनाव आपकी मानसिक शांति भंग कर सकता है। आप जिस प्रतियोगिता में भी कदम रखेंगे आपका प्रतिस्पर्धी स्वभाव आपको जीत दिलाने में सहयोग देगा। साथ ही आपको बताएं आज आपका दिन बहुत ही शानदार रहने वाला है। आज के दिन आप जो भी काम शुरू करेंगे उसमें सफल जरूर होंगे। पुराने दोस्तों के साथ आप कहीं घूमने फिरने जाना, आज आपको अवसर भी आपको मिलेगा। विदेश में नौकरी करने के लिए आपको ऑफर मिल सकता है। जो छात्र साइंस से जुड़े हैं उन्हें परीक्षा में बेहतर परिणाम मिलेंगे। किसी बड़े प्रोफेसर से आपको मदद मिलेगी। आज मेहनत करने वाले लोगों को मन चाह फल मिलेगा। गौरी गणेश की पूजा करें, आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। साथ ही साथ दोस्तों, आपको बताएं आज आपके घर किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है। घर में उपयोग होने वाली वस्तुएं भी आप खरीद सकते हैं।
गुस्से में किसी से बात करने से आपको बचना चाहिए। लोगों की मदद के अवसर मिलते हैं तो आपको मना नहीं करने चाहिए। आपके प्रेम जीवन में एक रोमांचक नया चरण आने वाला है। वैवाहिक जीवन में आप आनंद पाएंगे। साथ ही साथ आपको बताएं, आज आप अपने धन का कुछ हिस्सा गरीबों की सेवा में दान कर सकेंगे, जिसका आपको लाभ अवश्य मिलेगा। व्यवसायिक गतिविधियों संबंधी कोर्ट कचहरी केस चल रहा है तो आज उसमें सुलझाने का उचित समय मिलेगा। नौकरी पेशा व्यक्ति दफ्तर में जिम्मेदारी होने के बावजूद परिवार के लिए समय निकाल पाएंगे। साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएं, अनाज के थोक कारोबारी अच्छा लाभ कमा सकते हैं। अपने सहकर्मियों के साथ आपको उलझन रह सकती है। सभी पारिवारिक सदस्यों का आपस में बेहतरीन तालमेल होने से घर में कुशनवा वातावरण बना रहेगा। प्रेम संबंधों में मधुरता रहेगी। पार्टनर एक दूसरे की बातों को ठीक से समझने की कोशिश करें। आपके संबंध ठीक से ना बने रहने की वजह से अन्य लोग इस परिस्थिति का फायदा भी उठा सकते हैं। दोस्तों अब बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, आपका प्रेम जीवन कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों आज का दिन आपके लिए वेद अच्छा रहेगा। आज आपके मन में चल रही कुछ बातें आज पूरी हो सकती हैं। आप जो कहना चाहते थे उसके लिए आज का दिन अच्छा रह सकता है। साथ ही साथ आपको बता दें कि आज आप अपने जीवन साथी की मदद से कुछ अच्छा कर सकते हैं, जिससे आपके जीवन साथी को अच्छा लगेगा। साथ ही साथ आज आप उनके साथ कहीं घूमने जा सकते हैं या किसी धार्मिक स्थल की आप सैर कर सकते हैं, क्योंकि आज का समय आपके आने वाले समय की यादगार का लम्हा बनेगा। आज का बिताया गया समय आपके जीवन साथी या प्रेमिका के साथ कुशनवा बना रहेगा। इसके चलते आपके मन के शांति व सुकून का अनुभव होगा। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें कि इस राशि के कुछ लोगों के साथ आज उनके प्रेम संबंध में थोड़ा बहुत मनमुटाव रह सकता है, लेकिन आप चिंता ना करें, क्योंकि यह समय कुछ समय या कुछ दिनों के लिए रह सकता है, क्योंकि इस राशि के जातक अपने जीवन साथी या प्रेमिका को अच्छे से समझा सकते हैं। साथ ही साथ कह सकते हैं कि आप उनसे बहुत प्यार करते हैं। इसके चलते प्रेम प्रसंगों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। दोस्तों अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की, आपका स्वास्थ्य कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। तो दोस्तों आज आपको थोड़ा देर दर्द हो सकता है, जैसे गर्दन पर, कमर में, दांत और पेट की समस्या आपको उठानी पड़ सकती है। इसके अलावा जितना हो सके आप दर्द को नजरअंदाज करें, क्योंकि समय के साथ साथ सब ठीक हो जाएगा। आप व्यर्थ की चिंता ना करें और आप अपने स्वास्थ्य को और भी अधिक अच्छा रखने के लिए आप अपने खान पान का ध्यान रखें और रोजाना योग व्यायाम करते रहें। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन ऑल पर दबाएं, ताकि आपको आने वाली नोटिफिकेशन मिल सके।